अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुशबाश होंगे। पिक्चर देख के आइडिया हो गया होगा, आज बन रही है तहारी, पोटैटो राइस सिंपली। वैसे हमारे घर में तहारी कहा जाता है। यहाँ हो रही है कटिंग अनियन की, अनियन चॉपिंग हो रही है, और वन बिग साइज़ है और वन बिग साइज़ थी उसकी, मैंने हाफ ले ली थी। मैं अभी दिखा भी दूंगी आपको, आपकी मर्ज़ी। आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, जिस तरह से आपका दिल करे आप इसको कट कर सकते हैं। और इसके बाद में अच्छे से पहले अपने, वैसे फाइनली चॉप करें तो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छी फाइन कटिंग से होगा कि आपकी अनियंस जो हैं वो जल्दी से हो जाएंगी, मतलब जल्दी से ब्राउन हो जाएंगी। अनियंस मैंने चॉप कर ली थी और मैंने एक्चुअली हबी की वजह से बनाई है, बिकॉज़ हबी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका थोड़ा स्टमक प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए आप घी का रायता बना दें, वो ठंडा होता, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़े से राइस भी खा लेंगे, वो पोटैटो राइस बना लेते हैं। आपको पता है कि लाइट से होते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं, आराम से खा लेते हैं, तंग नहीं करते हैं। तो इसलिए आज बनी थी हमारे घर तहारी एंड घी का रायता जी। तो ये वन एंड हाफ अनियन थी और मैंने पैन चढ़ा दिया हुआ है, पैन में मैंने ही ऑयल हीट अप कर लिया है और अब उसमें मैंने अनियन ऐड कर दी हैं, मैं फ्राई कर लूँगा। ये मैं बना रही हूँ ईवा ऑयल में, ये मैं ऑलिव ऑयल में नहीं बना रही हूँ। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने इस दफ़ा ईवा इसलिए भी लिया था, एक तो मुझे मतलब अच्छा लग रहा था सनफ्लावर में ये, एंड सेकेंड एक रीज़न ये भी थी कि मेरे पास जो कलौंजी ऑयल था, डालडा कलौंजी, वो मुझे मिला नहीं था। यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो बेचारा अपने आखिरी मरहलों पर है, जो रेजिड्यूज़ होते हैं ना बॉटल की साइड्स पे, ये मैंने इसमें पानी डाल के शेक करके तो मैंने वो ऐड किया। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़ीरा, मुझे अच्छा लगता है एंड वैसे भी खाने में अच्छा रहता है। ज़ीरा ऐड कर दूँगी, ये एक साथ हैं कुटी हुई मिर्चें, बहुत ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किए हैं, थोड़ी ही की हैं, आप अपनी मिर्चों के हिसाब से डालें, बच्चों ने खानी होती है इसी तरह कम ही से देती हैं। पिसा हुआ धनिया है और हल्दी है, और इसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे क्या, इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ते। तेज़पत्ते सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, आप सब्ज़ी बनाएं, आप कोई भी चीज़ बनाएं, लाइक दाल बनाएं, तो इसको लाजमी ऐड करें, कड़ी पत्ता लाजमी ऐड करें, ये बहुत सारी खसूसियात के हामिल होते हैं एंड अपने खाने में इनको मस्ट 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 ऐड करें, बहुत अच्छे रहते हैं ये। और यहाँ पर है पोटैटोज़, हमने ऐड कर दिए हैं, मैंने थोड़े मतलब बहुत मोटे मोटे नहीं काटे थे, थोड़े नॉर्मल साइज़ के चंक्स रखे थे इसके। यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल दिया था ज़रा सा फ्राई करने के बाद, और इसको मैंने कवर करके फिर रख दिया था गलने के लिए, दो तीन मिनट ही रखा होगा। उसके बाद में मैंने इसमें टमाटोज चॉप कर लिए थे, जितनी देर में ये हो रहे थे इतनी देर में मैंने टमाटोज चॉप करके और टमाटोज फिर मैंने इसमें ऐड करने थे। और इसका ये है कि आप कुछ लोगों को टमाटोज जो हैं वो बहुत मशी पसंद होता है, मतलब नज़र नहीं आ रहा था, बट मुझे अच्छा लगता है कि थोड़े से खड़े खड़े हों, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ मेरा बेटा नहीं खाता टमाटोज, निकाल के साइड पे कर देता है, तो मुझे अच्छे लगते हैं, कलर खूबसूरत लगता है, मीन येलो एंड रेड अच्छा लग रहा था, ग्रीन। आप मुख्तलिफ कलर्स की वेजीज भी बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं, उसमें मुख्तलिफ कलर्स ऐड करें, उससे क्या होता है कि वो एक बहुत प्लेजेंट लुक दे रही होती है, आपका दिल कर रहा होता है खाने का। इसमें मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर टमाटोज ऐड कर दिए थे, थोड़ा सा मैंने इनको गला लिया था, और फिर मैंने हरी मिर्च ऐड करके और पानी ऐड कर दिया था। दो ग्लास मैंने राइस लिए थे, आपके राइस का हिसाब है, आपके राइस में कितना पानी जाता है आप उस हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पे पौने तीन ग्लास पानी लिया था, बिकॉज़ मेरे राइस में इतना ही डलता है। फिर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था, सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने इसे कवर कर दिया था, और फिर जब ये बॉयल हो गए थे फिर मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए थे, और राइस मैंने आपको बताया कि दो ग्लास राइस थे, तो बहुत अच्छे बने थे, बहुत मज़े के बने थे। आप अपने पानी की मतलब जितनी भी मेजरमेंट होती है आप उसी हिसाब से लें। राइस में नमक थोड़ा कम हो गया था एंड मेरे पास नमक बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मैं शेकर से डाल रही हूँ यहाँ पर, कुछ और नहीं ऐड कर रही हूँ। और हाँ, एक और बात, मैंने इसमें थोड़ी सी हींग भी ऐड की थी, वो शायद स्किप हो गया, वैसे मैं नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, एक छोटी सी टिप आपके लिए, आप जब भी तहारी बनाइए, चने का पुलाव बनाएं, ये मेरे पास मिर्चस का अचार है, मैं आपको दिखा रही हूँ मिक्स अचार, इसमें आप लाजमी जो ऑयल होता है चार कॉयल थोड़ा सा ऐड करें, एक चम्मच डेढ़ चम्मच ऐड करें, उससे क्या होता है बहुत मज़ेदार सी खुशबू आती है, टेस्ट का एकदम से चेंज हो जाता है, बहुत मज़ेदार हो जाता है। कभी ट्राई करके देखें, अचार का टेस्ट भी आएगा, बहुत माइल्ड सा आएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आएगा, और बहुत मज़े की लगेगी आपकी तहारी जो है ना, बहुत डिफरेंट सा उसका टेस्ट होगा। ट्राई करके देखें, यहाँ हमने दम लगा दिया और इसको हीट जो है बिल्कुल कर दी हुई है स्लो,
राइस हमारे रेडी हो गए हैं, बहुत मज़े के बने थे, बहुत खिले खिले, बहुत अच्छे थे। साथ में मैंने रायता ऐड किया था, घी का रायता, और हमने साथ में बनाई थी सैलड। तो वो सैलड देख लीजिए जनाब हम कैसे कट करें। ये थे मेरे पास सैलड लीव्स, लेटस लीव्स, जिनको मैंने कट कर लिया था बारीक बारीक, हादी को बहुत पसंद आई है, और शुक्र है खुदा का उसे सैलड में कोई चीज़ पसंद है। अदरवाइज़ वो लड़का, उसे टमेटोज पसंद नहीं है, उसे पोटैटोस पसंद नहीं है, वो बहुत चूजी है, और सैलड तो वैसे ही उसको कैबेज भी पसंद नहीं है, बट हाँ अल्लाह का शुक्र है लेटस लीव्स उसको पसंद है। तो जनाब यहाँ टमेटोज मैंने कट कर लिए थे, और ये मिंट लीव्स हैं। अपनी सैलड में मिंट लीव्स लाजमी ऐड करें, वो लोग जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर है कैबेज, कैबेज भी मैंने कट करी थी राइस के साथ। आपको पता है वैसे ही सैलड बहुत मज़े की लगती है। सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे, कॉमन सी रेसिपी है, सबको पता है क्या क्या डलता है इसमें। कुकम्बर है, टमेटोज़ हैं, लेटस लीव्स हैं, मिंट है, कैप्सिकम नहीं है सॉरी। इसके बाद में सॉल्ट ऐड कर देंगे, लेमन ऐड कर देंगे, और मिक्स कर देंगे। बहुत मज़ेदार सी सैलड रेसिपी रेडी हुई थी, और जनाब इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी, प्लीज़ आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि कैसे बनी थी। और जनाब अब हम लेते हैं आपसे विदा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।